नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं 5G डिप्लॉयमेंट से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में 5G डिप्लॉयमेंट को और भी फास्ट सर्विस पर डालने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 5G के डिप्लॉयमेंट को लेकर जो और भी स्पेक्ट्रम उन्होंने होल्ड कर रखे हैं उनको भी रिलीज करेंगे। मिड बैंड स्पेक्ट्रम जो कि 1 GHz से 6 GHz के बीच में है, इनको रिलीज करने की बात की जा रही है। सो बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश में 5G की डिप्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से होने लगी है, और इससे पहले जो 5G ऑक्शन हुआ था तो उस समय कई सारी बैंडविड्थ के स्पेक्ट्रम थे वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा ऑक्शन किए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो ने एक्वायर किया था। और अब कहा ऐसा जा रहा है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा ये स्पेक्ट्रम रिलीज नहीं किया जाता है तो जिस तेज़ी से हमारे देश में 5G के डिप्लॉयमेंट के ऊपर काम हो रहा है उतनी तेज़ी से विलेज एरियाज में नहीं हो पाएगा। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इसकी प्लानिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक इसका भी ऑक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एयर इंडिया से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप के द्वारा ऑन एयर इंडिया लिमिटेड ने एविएशन हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील साइन कर ली है, और ये डील 470 एयरक्राफ्ट को प्रक्योर करने के लिए साइन की गई है। दोस्तों एक्चुअली डील तो कुछ दिन पहले साइन कर ली गई थी, हालांकि इसको पब्लिक अभी किया गया है। 470 एयरक्राफ्ट को प्रक्योर करने वाली डील की वैल्यू $70 बिलियन आकी गई है, जो कि एविएशन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ तो जो 470 एयरक्राफ्ट प्रक्योर किए जाने हैं उसमें से 250 एयरक्राफ्ट यूरोपियन कंपनी एयरबस से प्रक्योर किए जाएंगे, जबकि रिमेनिंग एयरक्राफ्ट यूएस की कंपनी बोइंग से प्रक्योर किए जाने हैं। दोस्तों इससे पहले लास्ट टाइम एयर इंडिया ने 2005 के आसपास 111 प्लेन्स ऑर्डर किए थे, जो कि डील $10.8 बिलियन की थी, और उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ये 7 गुना बड़ी डील है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई लोकल से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दीघा स्टेशन की कंस्ट्रक्शन का काम 95% तक कंप्लीट कर दिया गया है, और कहा ऐसा जा रहा है कि इसी फरवरी महीने के अंदर अंदर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाना है। दोस्तों दीघा रेलवे स्टेशन थाने वासी पनवेल रेल रूट के अंतर्गत बनकर तैयार हो रहा है, जो कि थाने पनवेल ट्रांस हार्बर लाइन का एक पार्ट है। इस लाइन का पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, और अब पार्ट 2 में या फिर फेज 2 में कालवा से एरोली तक एलिवेटेड रूट बनाया जा रहा है, और उसी के अंतर्गत ये दीघा रेल स्टेशन भी बनकर तैयार हो रहा है। 200 करोड़ रुपीज़ इसके ऊपर स्पेंड किए जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट क्योंकि अब ये बनकर तैयार हो गया है तो फरवरी के अंत तक इसका जितना भी काम बचा है वो कंप्लीट हो जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के पहले वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे सिटी में बनकर तैयार होगा, और इसको लेकर TGBL नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। दोस्तों आपने बहुत सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तो देखे ही होंगे, पर आपने कभी भारत में वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट देखा नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी है ही नहीं। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ये बनकर तैयार होगा, जिसके ऊपर 430 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जानी है। डेली 350 टन ऑफ सॉलिड गार्बेज यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा, जिसके थ्रू डेली 10 टन ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाना है। हड़पसर इंडस्ट्रियल इस्टेट में इसके लिए लैंड भी फाइनेंस कर ली गई है। 430 करोड़ रुपीज इसके ऊपर जो इन्वेस्ट किए जाने हैं उसमें से 350 करोड़ रुपीज तो प्लांट को सेटअप करने पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 80 करोड़ रुपीज स्टोरेज फैसिलिटी या फिर लॉजिस्टिक के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। और क्योंकि अब इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है तो नवंबर 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट में ई मोबिलिटी को और पुश करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा न्यू ईवी पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है, और इसके थ्रू टारगेट ये सेट किया गया है कि तमिलनाडु स्टेट को हमारे देश में एक प्राइम ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी तमिलनाडु स्टेट में ईवी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे खासे स्केल पर हो रही है। जो न्यू पॉलिसी अभी इन्होंने लॉन्च की है वो तमिलनाडु की ईवी एम्बिशंस को और तेज कर देगा। 50,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत अटैच करने का टारगेट सेट किया गया है, और लास्ट टाइम भी दोस्तों जब इनके द्वारा पॉलिसी अनाउंस की गई थी 2018-19 के आसपास तो उस समय भी 50,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अटैच करने का टारगेट सेट किया गया था। चेन्नई, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई एंड सलेम ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो कि ईवी इन्वेस्टर्स का फोकस होने वाली हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों फ्रांस बेस्ड कंपनी थेल्स के द्वारा हमारे देश में लेजर गाइडेड रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है, और इसको लेकर उन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों फ्रांस की थेल्स कंपनी काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग पर्पज के लिए करती है। इस बार इनके द्वारा प्रसीजन स्ट्राइक 70mm के जो लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में की जानी है, और एक बार जब BDL के साथ मिलकर हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं तो एक और ऐसा प्रोडक्ट हमारे देश के मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत जो बन ही लिस्ट है उसमें शामिल हो जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में स्टार्ट हो जानी है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा
जनवरी 2023 का भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेटा रिलीज कर दिया गया है और पिछले मंथ की तरह इस बार भी हमारे एक्सपोर्ट्स ईयर ईयर बेसिस पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। दोस्तों बाय डेटा में अगर आपको बताऊं तो पिछले महीने यानी कि जनवरी में 32.91 बिलियन डॉलर्स के हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि जनवरी 2022 में ये एक्सपोर्ट्स 35.23 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि ईयर ईयर बेसिस पर इसमें 6.58% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सिमिलरली हमारे इम्पोर्ट्स भी 50.66 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें यूनियन बेसिस पर 3.68% का डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि जनवरी 2020 में हमारे इंपोर्ट 52.57 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड किए गए थे। और सो इसके चलते ओवरऑल जनवरी में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 17.75 बिलियन डॉलर्स पर रहा है। तो देखते हैं कि कब तक हमारे एक्सपोर्ट दोबारा से रिबाउंड करते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल सप्लायर सेलकॉम से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों फिनलैंड बेस्ड कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो हमारे देश में एप्पल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको और पुश करेंगे और अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये हमारे देश में उनकी वर्कफोर्स को ऑलमोस्ट दोगुना कर देंगे। दोस्तों सेलकॉम के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि फॉक्सकॉन या फिर विस्टोन यही ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, लेकिन सेलकॉम भी एप्पल का काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लायर है। 2020 में ही इन्होंने हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि स्पेसिफिकली चेन्नई में जो नोकिया का प्लांट था वहाँ पर स्टार्ट की गई थी। एप्पल के लिए कई तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जिसमें एप्पल का जो चार्जर है वो भी इन्हीं के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020 में ही इन्होंने चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, तो एज ऑफ नाउ उस फैक्ट्री में 12,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, जहां पर 85% तो वीमेन ही हैं। अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर इनकी ये वर्कफोर्स 25,000 से ऊपर पहुंच जाएगी और इसको लेकर उन्होंने टारगेट ये सेट किया गया है कि 2025 तक ये हमारे देश से एटलीस्ट 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की रिवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि करंटली अभी इनकी जो रिवेन्यू है वो 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। दोस्तों इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने चेन्नई के पास उनकी जो फैक्ट्री है वहां पर वर्कर्स के लिए हाउसेस की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं कि कब तक ये वर्कफोर्स ऑलमोस्ट डबल हो पाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।